हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या है कि इसमें आपके घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ सोयाबीन हो और दही और अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं चाहिए, टमाटर भी नहीं चाहिए, और तब भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। मैंने सोयाबीन को पहले गर्म पानी में अच्छे से बॉयल करके इसको मैंने सोक किया, फिर मैंने इसको निचोड़ के कंटेनर में निकाल लिया और फिर मैंने इसमें दही डाला और इसको मतलब मैरिनेट करना है सारे मसाले डाल के। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि मैंने इसको कैसे किया है। और थैंक यू फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे 400+ हो गए हैं। तो गाइज प्लीज़, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मतलब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं भी किया है उनको भी थैंक यू, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को भी थैंक यू। तो जल्दी से जल्दी मेरे आप 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए गाइज। अब मैं इसमें मतलब पैन चढ़ा के, इसमें अगर आपके घर में टमाटर नहीं भी होगा ना तो भी आप इसको बहुत मतलब ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जैसे आपके घर में कोई अचानक से आ जाए और कुछ भी नहीं है, आपके घर में दही है और सोयाबीन है, तो देखिए कितनी सिंपल सब्ज़ी है और दिखने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको आप चावल के साथ, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप खाएंगे। मैंने इसमें छोटा सा टमाटर डाला, टमाटर था तो मैंने डाल दिया, अदरवाइज अगर टमाटर नहीं है तो आप टमाटर बिना टमाटर के भी आप इसको बना सकते हैं। आप सीधा प्याज को ब्राउन कीजिए और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दीजिए। इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, सब मसाले को अच्छे से भून के। और मसाले भी कुछ ऐसे नहीं हैं कि बहुत रिच मसाले हों, सारे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वही मसाले मैंने इसमें यूज़ करे हैं। उन सबको डाल के आप अच्छे से भून लीजिए। देखिए मैंने धनिया डाला, अब मटर थी तो मैंने मटर डाल दी, अगर मटर नहीं है तो आप मटर स्किप भी कर सकते हैं, मटर की जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं, अगर आप पनीर डालना चाहते हैं पनीर डाल सकते हैं, और अगर छोटे छोटे अगर आलू करके डालना चाहते हैं आलू भी डाल सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते तो आप खाली सोयाबीन भी डाल सकते हैं। सोयाबीन हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आप बच्चों को ऐसा बना के देंगे तो अगर बच्चे सोयाबीन नहीं भी खाते होंगे तो वो बच्चे बहुत अच्छे से इसको खाएंगे। टिफ़िन में भी आप इसको दे सकते हैं, लंच में अपने हस्बैंड या बच्चों के टिफ़िन में, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी। अब देखिए मैंने पहले ढक्कन करके इनको मटर को अच्छे से पका लिया, क्योंकि मटर को पकाना ज़रूरी है। सोयाबीन तो मेरा जब मैंने इसको बॉईल किया था तभी ही हो गया था, अभी मैं मैरिनेट करे हुए सारे सोयाबीन डाल दूँगी। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मेरी रेसिपी गाइस जो होती है बहुत सिंपल होती है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बेसिक मसालों से होती है, और जैसे घर में हम खाना बनाते हैं उस टाइप से होती है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बहुत हाई फाई सा बना दिया, होटल की तरह बना दिया हो, नहीं, घर के खाने जैसा खाना होता है। आप एक जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ आप ट्राई करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। अब मैंने जो बाउल में जो मसाला था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और गाइस थैंक यू, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको दिल से थैंक यू, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करिए, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू। अब बस मैं इसको 5-10 मिनट के लिए और ढक के रख दूँगी। अब मैं खोलूँगी तो देखिए सारा मसाला, और ना जब भी आप दही वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप गैस को बंद कर दीजिए या फिर गैस को स्लो करके आप करिए, तो आपका दही कभी भी नहीं फटेगा। और मैंने भी ऐसे ही किया, देखिए मेरा दही कभी भी नहीं फटता, क्योंकि या तो मैं गैस को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ या फिर कंटिन्यूसली उसको चलाती रहती हूँ। इसमें मैं चला नहीं सकती थी ज़्यादा तो मैंने गैस को स्लो कर दिया था। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, धनिया मैं हर खाने में डालती हूँ क्योंकि वो अच्छा रहता है, एक तो डेकोरेशन के लिए भी अच्छा होता है और दिखने हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ब्लड के लिए धनिया अच्छा होता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय बाय।